टीम, हार्ड लक कारवान राइट्स कैप्टन मिस्टर बाबे के बारे टीम, बड़ा बहुत जबरदस्त है पूरे टूर्नामेंट में। हमारे साथ आज के गेस्ट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यासर सदीक, जीबीसी ग्लोबल बिजनेस काउंसिल के सदर प्रेसिडेंट, थैंक यू वेरी मच। रफीक यासीन साहब, थैंक्स अ लॉट। अफजल सलाम साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया आप आए। और जीबीसी के मैनेजर डायरेक्टर जनाब सदीक यासीन साहब, वेरी मच। और हमारे साथ कदीर भाई, आप हमारे अरेंजमेंट में आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और महफिल की हमारे गेस्ट जनाब गुलाम आवाज भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ पर तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे राइट हैंड पे राजा असद साहब है, और उसके साथ आफिक अब्दुल रऊफ साहब है, हमारे गेस्ट भी हैं, और साफत भी अपने भरपूर तरीके से अपना फ्रीदा अंजाम देते हुए। टुडे मेराजी मैच, आज की जो मेराजी मैच है वो है अब्दुल रहमान माशाल्लाह, सर दोनों के लिए बल्कि टीम को भी हमेशा लीड करते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस हजर भाई, जबरदस्त तारे की माशाल्लाह। अरुण भाई थैंक यू वेरी मच। एच बी स्पोर्ट हमारे स्पॉन्सर है, एच बी स्पोर्ट की तरफ से ये ग्लास आपके लिए। नाज़रीन, हम इस वक्त अजमान ओवल में मौजूद हैं, जहाँ पे जलमी इवेंट का आज फाइनल था, जो कि ग्रीन्स ने जीत लिया है। हमारे साथ हैं कैप्टन इसहाक और ट्रॉफी के साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं कि कैसा फील हो रहा है ये ट्रॉफी हासिल करके। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा फर्स्ट सेकंड टूर्नामेंट है, पहले हम हार गए थे सेमीफाइनल में, तो दोबारा वही जो मिस्टेक वगैरह होती हमने वही कवर करके दोबारा सेकंड टूर्नामेंट में अभी आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। असल में सेम मैच पहले भी हुआ सेमीफाइनल, तो उसी में हम लोग हार गए थे, 190 स्कोर हम लोगों ने किया, वो लोग चेस कर गए, तो उसमें कुछ गलतियाँ हुई, वो हम लोगों ने कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो दोबारा जीत गए, किसको देंगे आप? ज़ाहिर बात है पूरी टीम को देंगे, सबने 100% एफर्ट किया, तो जिसका रिजल्ट आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जीत किसके नाम कर रहे हैं? जीत ज़ाहिर बात है MGM मलिक गुलाम मुस्तफ़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑल 12 पार्टिसिपेटिंग टीम। एक और था वो किधर गया? सेलिब्रेशन अगेन, जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्रिकेट को प्रमोट करने की यहाँ पे तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया सर। मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत यासर भाई की तरफ से, और भाई साहब आपकी तरफ से, और JCB जो है अपना ग्रुप उसकी तरफ से इतना अच्छा प्यार मिला, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा जो मैंने एंजॉय किया, जो विनिंग टीम है, और जो ये कहूंगा कि दोनों बराबर के हैं, एक पॉइंट जीत गई एक पॉइंट रह गई, मैं सबको सलूट पेश करता हूं। और जब तक ये ग्राउंड आबाद है, इंशाल्लाह हॉस्पिटल वायरान पड़ेंगे, जब तक ये ग्राउंड आबाद है हॉस्पिटल वायरान पड़ेंगे, और उसमें आप सबका ये मेन किरदार है, ये आप सबका, तो ये ऐसा ही होना चाहिए, जो जैसे चल रही है ये अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स ऐसे चलता रहे, मैं देख रहा हूँ सालों साल चल रहा है, और उसमें आपके जो खिदमात हैं ये सब कंट्री के लिए है, पूरी नेशन के लिए भी तो है ही है ना, बाकी सब जवानों के लिए है। मैं सब जवानों आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ सबको, तो आप सबको और आप सबको, सीधी बात है मैंने बहुत इंजॉय किया है। I salute you all and I love you all. I love you all. I love you all. I love you all.
75 में अपनी कौमी टीम में रहा हूँ, कौमी टीम में रहा हूँ, मुझे खुशी है कि सब स्पोर्ट्समैन मेरे सामने खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच, एक से बढ़कर एक। हमारे साथ हैं जलमी इवेंट के हेड जनाब सज्जाद अवासी साहब, जो क्रिकेट की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है और ऑर्गेनाइजिंग में बड़े अच्छे हैं। आज यहाँ अजमान के ग्राउंड में एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ और इख्तिताम को पहुँचा, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आफत साहब आपका बहुत शुक्रिया, कायक न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। टूर्नामेंट आपके सामने माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट रहा, रमज़ान में स्टार्ट किया और रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो रहा है और 24 मैचेस थे जो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऑन द स्पॉट देखें आपके एक दिन पहले ईद के अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। बड़ा ज़बरदस्त कॉपरेट किया टीम ने और बड़ा अच्छा लगा मुझे टूर्नामेंट माशाल्लाह करवा के। देखिए आफत साहब, अभी तो हम पक्के हो गए हैं, पक्के से मुराद ये है कि पहले बड़ा शुरू में काफ़ी मुश्किल पे जाती थी, अभी पता नहीं होता कैसे करने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने देखा होगा कि वन एंड चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन आप जो जैसे दोस्तों की भी सपोर्ट होती है हमेशा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा चैलेंज तो होते हैं, काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक के करम से जब कि इंग्लिश में मावरा के फ्री रीच दी टॉप ऑफ दल यू कैन ट्राई ट्राई अगेन, तो हम उसी में लगे रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मंजिल देता है। समर बैश लीग करके एक आ रहा है इंशाल्लाह रमज़ा, इस आपके तवस्सुल से चलो मैंने अनाउंस भी कर दिया कि ईद के बाद इंशाल्लाह वो अनाउंस हो रहा है और उसमें भी ओवल के 16 टीमें इस तरह की पार्टिसिपेट करने जा रही, मुझे क्योंकि बहुत सारी टीम्स का मुझे जो फीडबैक हो, जो टीमें पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है 16 टीम्स हो जाएंगी जल्दी, तो मैं स्टार्ट कर दूँगा इंशाल्लाह। ये थे सज्जाद अब्बासी साहब जिन्होंने हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर किए हैं। सज्जाद के लिए ये है कि वो ख़ुद भी एक बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं और क्रिकेट को यहाँ पे प्रमोट भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। हकाइक न्यूज़ हमेशा इनके साथ है और उम्मीद है कि मुस्तकबिल करीब में भी और मुस्तकबिल बाईद में भी हकाइक न्यूज़ इनके साथ रहेगा। हकाइक न्यूज़ भी जो है वो ऐसी चीज़ों को आप लोगों के सामने लेके आता रहता है ताकि जो कुछ हो रहा है यूएई के अंदर वो आप तक पहुँचाता रहे। आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं साइन ऑफ करता हूँ। हाफिज़ अब्दुर रऊफ़, हकाइक न्यूज़, अजमान। थैंक यू।